नमस्कार, मैं सोनी। आप देख रहे हैं बोकारो की आवाज न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। डीवीसी के द्वारा ललपनिया लुगु पहाड़ में प्रस्तावित 1500 मेगावाट हाइडल पावर प्रोजेक्ट के विरोध में आज देशभर से आए आदिवासी समाज के लोगों ने डीवीसी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस जनाक्रोश महाजुटान में आदिवासी पुरुष, महिला और बच्चे पारंपरिक परिधान में, हाथ में पारंपरिक हथियार लेकर पहुँचे थे। ललपनिया फुटबॉल मैदान में आदिवासियों का महाजुटान हुआ, जहां एक स्वर से सभी ने इस प्रस्तावित हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द निरस्त करने की मांग केंद्र सरकार और डीवीसी से की। इस महाजुटान के माध्यम से आदिवासियों ने केंद्र और राज्य सरकार से यह मांग करते हुए कहा कि दोनों ही सरकार लुगु पहाड़ को आदिवासियों के धरोहर के रूप में नोटिफिकेशन निकालने का काम करें। आदिवासियों ने कहा कि विश्व भर के आदिवासियों की इस पहाड़ में स्थित लोगों बाबा पर सबसे बड़ी आस्था है, क्योंकि लुगु बाबा आदिवासियों के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। ऐसे में अगर यहां हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो आदिवासियों के धर्म और संस्कृति के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि आदिवासी प्राकृतिक के पूजन है। प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही आदिवासी नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार ने पावर प्रोजेक्ट के लिए किसी भी तरह की सहमति देने से इनकार किया है। ऐसे में केंद्र सरकार को इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। अगर इस प्रोजेक्ट को निरस्त नहीं किया जाता है तो देश और विदेश स्तर पर इस आंदोलन को हम लोग उग्र करेंगे। हमारे झारखंड और बाहर से भी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम से भी यहाँ संथाल समाज के प्रतिनिधि पहुँचे हैं और आज महाजुटन करके ये संदेश सरकार को देना चाहते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को। ये जो लुगु पहाड़ है, लुगु पहाड़ हमारा आदिवासियों का आदिकाल से धार्मिक आस्था का सर्वश्रेष्ठ केंद्र है। यहाँ पर हम लोग किसी प्रकार का योजना परियोजना यहाँ उतरने नहीं देंगे और एक धार्मिक आस्था को बचाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार उचित पहल करे, हमारा आस्था का सम्मान करे और अविलंब इस लुगु पहाड़ से हाइडल प्रोजेक्ट को वापस करे, निरस्त करे और लुगु पहाड़ को आदिवासियों संथाल समाज के नाम धार्मिक स्थल के रूप में, धार्मिक स्थल के रूप में गजट नोटिफिकेशन कर। संथाल जाति लोग तो प्राकृतिक के उपासक हैं, प्राकृतिक के पूजक हैं, इसलिए हम लोग यहाँ, हम लोग का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक धार्मिक धरोहर है। इस धार्मिक धरोहर में जो डीवीसी के द्वारा प्रस्तावित 1500 मेगावाट के हाइडल प्रोजेक्ट स्थापित करने जा रहा है, वो हम लोग स्थापित नहीं करने देंगे। वो चूँकि ये धार्मिक धरोहर है, धार्मिक धरोहर में स्थापित करने का मतलब है हम आदिवासी संथाल जातियों के क्षति में ठेस पहुँचेगा। हमारा धर्म पर, आस्था पर बहुत बड़ा ठेस पहुँचेगा, इसलिए उस ठेस को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए इस जन आक्रोश महाजुटान के माध्यम से हम लोग सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह के धार्मिक धरोहर में उस तरह का पावर प्रोजेक्ट को, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट को, कदापि लगाने का प्रयास ना करें। और यदि इसके माध्यम से हम लोग का बात सरकार नहीं मानता है तो फिर आगे हम लोग आंदोलन करने के बाध्य हो जाएंगे। राज्य सरकार की तरफ से यही आश्वासन हम लोग को मिल रहा है कि हम कोई कंसेप्ट नहीं दिए हैं, राज्य सरकार का कोई परमिशन नहीं है, राज्य सरकार का परमिशन नहीं है। जो सर्वे करने आता है उनको आप लोग राज्य सरकार का परमिशन मांगिए। अगर वीडियो पसंद आई और आप झारखंड की राजनीति और झारखंड वासियों से सरोकार रखते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी जगह एक घंटी है, उस बटन को दबा देने से कुल सटीक और मारक खबर आपको मुफ्त में मिल जाएगा। अगर आप लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे नए प्रयोग में हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो हमारा फोन पे नंबर 8235071962। धन्यवाद।